बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। जी तो मैं आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जी, कढ़ी पकौड़ा, जो बहुत ही मज़ेदार है और एक यूनिक रेसिपी, यूनिक स्टाइल से, एक डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बनाना बताऊँगी। देखने में ही धमाकेदार लग रही है, आप देख ही रहे हैं जी, और ये मज़े की भी बहुत होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम बेसन लिया है, उसको मैंने छलनी की मदद से इसको छान लिया है अच्छी तरीके से, कि इसमें कुछ कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारी कढ़ी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, एहतियातन आप भी छान लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा सारा बेसन छनकर तैयार है, उसको मैंने अच्छी तरह फैलाते हुए इसको पहले मैंने हाफ़ में डिवाइड किया, फिर इसको हाफ़ में से हाफ़ डिवाइड किया, मतलब इसको थ्री पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसको ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हुए मैंने एक हिस्सा जो है ये मैंने पकौड़ों के लिए लिया है, जो ज़्यादा वाला हिस्सा मैंने पकौड़ों के लिए लिया है, और कम वाला हिस्सा जो है इसको मैंने क्या करना है, इसकी मैंने बनानी है जी कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने बेसन जार में डालते, मिक्सर ग्राइंडर का जो जार होता है इसके अंदर डालते हुए इसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड करनी हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है 3 टेबल स्पून, पेस्ट पतला होना चाहिए। फिर इसके अंदर मैंने डालना है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डालना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है जी टर्मरिक और रेड चिल्ली पाउडर। ये टर्मरिक हमारी ज़्यादा जाएगी तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ये जो हमारी लाल मिर्ची जो होती है पीसी हुई वो हमारी जाएगी 4 टेबल स्पून हमारी वो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड करनी है, जो फुल बॉल भर के मैंने दही लिया है, फ्रेश लिया है, और थोड़ा पतला उसको मैंने कर लिया था। इसके अंदर मैंने इसको बंद करते हुए जार के अंदर मैंने मिक्सर ग्राइंडर को चलाना है और इसको एक पतला पेस्ट बना लेना है। उसको मैंने एक ली है जी, मैंने मिट्टी की हांडी ली है, उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने चूल्हे पर चढ़ाया और उसके अंदर ही मैंने अपना बेसन वाला बैटर इसके अंदर डाल दिया, और उसको इतना ही पानी भरकर दो बार मैंने जग भरकर इसके अंदर डाले हैं, और ये हमारा मिक्सचर तैयार है कढ़ी का। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है, हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाना है पहले, जब तक इसका एक बार बॉल नहीं आ जाता, इसके बॉइलिंग नहीं हो जाती इसके अंदर। ठीक है जी, ये देख रहे हैं बॉइलिंग होना शुरू हो चुकी है, तो इसको मैंने चलाना है लकड़ी की जो होती है चम्मच उसे मैंने चलाना है। ठीक है जी, एक दो बार मैं इसको चलाकर और उसको अच्छी तरीके से चलाने के बाद मैंने इसको स्लो फ्लेम कर कर इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख देना है, ढक कर रख दें। ये थोड़ा सा उसका खोल लें आप। चले जी, अब मैं मैजिक करने लगी। ये है हमारे पास बॉल आ गया, इसके अंदर मैंने डाला है बेसन जो मैंने बचाया हुआ था ज़्यादा वाला। ठीक है जी, रिमेनिंग बेसन मैंने इसके अंदर ऐड करते हुए एक मैंने लेना है जी प्याज, उसको कटिंग करके मैंने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मैंने इसके अंदर डाला करके। और अब आया जी हमारा कोरिएंडर, उसको मैंने फ्रेश कोरिएंडर के लिए लीव्स लिए हैं और उसको बारीक कर कर इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये मैजिक आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। 5 चिली लिए हैं मैंने ग्रीन चिली जो होती है, मुझे इसको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने लिए 2 रेड चिली 2 टेबल स्पून, और इस नमक मैंने हसबे जायका ऐड करते हैं, और अजवाइन लिए, इसको हाथों की मदद से क्रश करके इसके अंदर डाल दिया, और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से आप स्टेयर करें, मिक्स करें। ठीक है जी, इसके बाद मैंने लिया है 1 गिलास जो होता है वो भरकर पानी लिया है, इसके 100 ग्राम इसका बनता है तकरीबन, उसको आप हर से भी ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर ऐड करते जाएं। और एक हमारा ये बैटर की फॉर्म में हमारा ये बेसन का पकौड़ों का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। एक चीज़ रह गई है, वो हम डालने लगे हैं। इसके अंदर जाएगा जी जी एक हमारा जाएगा इसके अंदर मीठा सोडा जो होता है 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पकोड़े जो हैं बहुत सख्त नहीं फ्लफ़ी बन जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। फिर हम अपनी कढ़ी देख लेते हैं जी, ये तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैंने
एक दो बार इसका चम्मच चलाते हुए चेक करना इसकी थिकनेस को, कितना थिक मुझे चाहिए घड़ी को। और इसके अंदर मैंने ऐड करना 1 स्पून नमक ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में हम नमक ऐड नहीं करते, पकने से थोड़ी देर पहले हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से अब ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है और ये हमारी कढ़ी रेडी हो गई। इसको हम सेपरेट स्पेस बनाते हुए मैंने साइड पे रख दिया। और मैंने लेना एक बड़ा पैन लेना है और ये मैंने इसके ऊपर ऐड करना है जी मस्टर्ड ऑयल, इसके अंदर 700 ग्राम। उसके बाद जो हमारा बैटर था उसको अच्छी तरह चलाते हुए और अपने ऑयल की हॉटनेस चेक करते हुए कि कितना गर्म है, इसको मैंने चेक किया, ये फुल गर्म है, पकौड़ों के लिए रेडी है। तो इसके अंदर मैंने 1 by 1 पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ा आप इस पे छोड़कर पकौड़े 1 by 1 आप डालते जाएं, चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और ये इसी तरीके से हम सब पकौड़ों को पूरे पैन में फैलाकर अच्छी तरीके से उसको हमने कुक करना है। और ये मैंने ली है चॉपस्टिक्स ली हैं, इसकी मदद से मैं सब पकौड़ों को टर्न आउट कर दूंगी। और हमने लाइट गोल्डन कलर हमने सब पकौड़ों का रखना है जी। ये हमारे हो गए हैं पकौड़े तैयार और मैं इन पकौड़ों को 1 by 1 एक डिश में निकाल लूँगी। ऑयल मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है, मस्टर्ड ऑयल, ये इसमें कढ़ी बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें पकौड़ों का कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर हर पकौड़े का आया है। ये 1 by 1 सब पकौड़े मैंने इसके अंदर निकाल लेने हैं। आप अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप जाली वाला जो चम्मच होता है उसकी मदद से निकाल लें। मैंने फ्राइंग पैन में बनाए हैं इसलिए मैंने ये वुडन स्टिक के ज़रिए मैंने सब पकौड़ों को निकाल लिया है जी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरा बनाने का स्टाइल आपको पसंद आता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा जी। ये सब पकौड़े हमारे बन गए हैं और उनको मैंने सबको डिश आउट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। चले जी आती है हमारे तड़के की बारी। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया छोटे साइज़ का और उसके मैंने डाला है सरसों का ऑयल डाला है, तकरीबन 50 ग्राम के करीब मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड करते हुए। इसके अंदर जाएंगे जी इंग्रेडिएंट्स जो हमारे तड़के में यूज़ होते हैं, इतने हम दूसरे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ली एक बड़ी टाइप की जो एक बॉल टाइप होता है स्टील का, उसको हम सीनी कहते हैं, उसके अंदर मैंने कुक्ड कढ़ी जो हमने बनाई हुई थी वो ऐड कर दी है। और उसके अंदर मैंने पकोड़े ऐड करने जो मैंने अभी आपके सामने फ्राई किए हैं वो उसको अच्छी तरीके से कढ़ी के अंदर डीप कर लीजिएगा जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे इधर पकौड़े सेट हो गए हैं। दूसरी तरफ हम तड़के की तैयारी कर रहे थे तो मैंने ऐड किया है 1 स्पून क्यूमिन ऐड किया है और हमारा तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ये देखिए कितने खूबसूरती से हमारा ज़ीरा फ्राई हो रहा है। उसके अंदर मैंने मेथी दाना लिया है 1 स्पून के करीब और ये मैंने लिए हैं चिली लिए है, रेड चिली जो होती हैं, साबुत मिर्चें जो होती हैं उनको मैंने तकरीबन 15 पीसेज इसके लिए हैं। और इनको अच्छी तरीके से हिलाते हुए फ्राई करते हुए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन डिश के अंदर ऊपर से तड़का लगा देना है इन सब चीज़ों को, जो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और बहुत ही दिलकश इसकी प्रेजेंटेशन आ रही है जी। मैं गरम मसाला इसके अंदर डाल चुकी हूँ और मैं बताना आपको भूल गई थी, तो आप इसके अंदर गरम मसाला ऊपर से भी डाल सकते हैं और मैंने अंदर भी डाला है और पकौड़ों में भी डाला है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी कढ़ी पकौड़ा बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैंने आपको बनाना बताई है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, मेरा चैनल आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा जी। मैं ये देखें कितनी इसकी थिकनेस चेक करें कढ़ी की, कितनी ज़बरदस्त है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको खट्टी कढ़ी पसंद है तो उसको दही को एक दिन पहले लाकर रख लें,
तो वो आपकी खट्टी भी कढ़ी बन जाएगी। इसके लिए मैंने छोटा बॉल लिया है जी, इसके अंदर मैंने डाले हैं दो पकौड़े डाले हैं और कढ़ी डालते हुए उसको मैं टेस्ट करने लगी हूँ। इसको आप चावलों के साथ सर्व करें या चपाती के साथ सर्व करें, आपकी चॉइस है। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, मैंने टेस्ट की है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना रिश्तेदार का बहुत ख्याल कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।